अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेसन इज द कस्टम्स ऑफ वेरियस रीजन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पढ़ेंगे ताकि जब हम लेसन पढ़ें तो आप इसे अंडरस्टैंड कर सकें। स्नो कैप्ड, बर्फपोश। वाटरफॉल, आबशार। शोर, साहिल। वेरिएशंस, तगयुरात। कस्टम्स, रस्म रिवाज। ट्राइबल, कबायली। स्टर्डी, सख्त जान। इन्वेडर्स, हमलावर। रेयरली, बमुश्किल। मैनफोक, अवामुन्नास या लोग। ब्रेड, अफजाइश नस्ल। हर्ड्स, रेवर। हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज। जेनेरोसिटी, सखावत। रिफ्यूज, पना। सीट ऑफ लर्निंग, सीखने की जगह या इल्म हासिल करने की जगह। फ्लोरिश, तरक्की करना। डायलेक्ट, बोली। के बाद है वेरी, तब्दील होना। क्राफ्ट, दस्तकारी। फेस्टिवल्स, त्यौहार। पोट्री, बर्तन। श्राइन्स, मज़ारात। सेंट्स, सूफिया। डिवोशनल, अकीदतमंद, अकीदतमंदाना। सीख, हासिल करना। डिस्प्यूट, झगड़ा। सेरेमनीज, तकरीबात। एम्यूज, खुश करना या तफरी मुहैया करना। बैरन, बंजर। नोमैडिक, नोमैडिक इसकी स्पेलिंग, नोमैडिक। नोमैडिक, खानाबदोश। सैंडली, मिट्टी का चूल्हा, जो जिसमें कि एक आर्जी तौर पर गांव में इस तरह के चूल्हे होते हैं जिसमें कि कोयला या राख डाल के राख मौजूद होती है। ठीक है। वेल टू डू, खुशहाल। इंस्टीट, बजाय। हार्ड टू गेट, मुश्किल से दस्तयाब होना। ट्रेडिशनल, रिवायती। अमिड्स, गिरा हुआ, दरमियान में। फीस्ट, दावत। एंशियंट, कदीम। मिस्टिक, सूफियाना। एडमायर्ड, सराहना, सराहा या तारीफ किया गया। ओरिजिन, इब्तिदा या शुरू होना या आगाज़ होना। ठीक है। ये हैं हमारे टोटल वर्ड्स मीनिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स और जो हमारे लेसन में मौजूद हैं। और इसके बाद आइए हम अपने लेसन पर आते हैं और रीड करते हैं और फिर इसे ट्रांसलेट भी करते हैं। आप लोग भी पेज नंबर 97 ओपन कर लीजिए और इसकी चैप्टर की रीडिंग करते हैं और साथ इसकी ट्रांसलेशन भी करते चले जाते हैं। द कस्टम्स ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रस्म व रिवाज। पाकिस्तान इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी। पाकिस्तान खूबसूरत कुदरती मनाजिर से भरा हुआ है। इन द नॉर्थ आर द स्नो कैप्ड माउंटेन्स विद देयर सिल्वरी वाटरफॉल्स एंड कूल लेक्स। शुमाल में बर्फ़पोश, बर्फ़ से ढकी हुई या बर्फ़पोश पहाड़ हैं जिनमें चांदी जैसे आबशार मौजूद हैं एंड और ठंडी झीलें मौजूद हैं। द सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द फर्टाइल ग्रीन प्लेन्स ऑफ द पंजाब एंड सिंध। दरमियानी हिस्सा या मरकज़ी हिस्सा मुश्तमिल है सरसब्ज और ज़रख़ेज़ मैदानों पर। पंजाब और सिंध का दरमियानी हिस्सा जो है वो सरसब्ज और ज़रख़ेज़ मैदानों पर मुश्तमिल है।
Then there are the rocky regions of Balochistan and the beautiful shores of the Arabian Sea. इसके अलावा बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके और अरब और बहिरा अरब के खूबसूरत साहिल मौजूद हैं. These geographical variations are reflected in the customs of the people of various regions of our country. ये जुग्राफियाई तगयुरात का असर जो है वो नज़र आता है मुख्तलिफ इलाकों के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोगों के रस्म व रिवाज पर. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमने इस पैराग्राफ में देखा कि कहीं शुमाल के इलाके में खूबसूरत बर्फ़ पोश पहाड़ हैं, खूबसूरत आबशारें बहती हैं जहाँ, और जहाँ झीलें सर्द झीलें भी मौजूद हैं. इसके अलावा हमने ये देखा कि पंजाब और सिंध के मरकज़ी इलाके या दरमियान के इलाके जो हैं वो सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ मैदानी इलाके हैं, और फिर हमने ये देखा कि बलूचिस्तान के इलाके जो हैं वो पहाड़ी हैं और बहिरा अरब के साहिली खूबसूरत इलाके भी मौजूद हैं. तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की जुग्राफियाई तगयुरात नज़र आते हैं, यानी जुग्राफियाई वेरिएशन हैं, कहीं कुछ है, तो इन्हीं वेरिएशंस की वजह से, इन्हीं तगयुरात की वजह से, इन्हीं तब्दीलियों की वजह से वहाँ के जो बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, उनकी ज़िंदगियों के जो रस्म व रिवाज हैं वो भी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से. ठीक है, द ट्राइबल पीपल एंड द पठान्स ऑफ द नॉर्थ आर स्टर्डी एंड ब्रेव. कबायली लोग और शुमाल के पठान जो हैं वो सख्त जान और बहादुर हैं. थ्रू द एजेस दे हैव फाउंड द इन्वेडर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, और ज़मानों से वो लड़ते रहे हमला आवरों से जो कि शुमाल की जानिब से आते थे. यानी शुमाल की जानिब से जो भी हमला आवर आए उनसे ये लोग, कबायली इलाके के लोग और पठान, उन हमलावरों से लड़ते रहे हैं. इवन टुडे अ पठान फ्रॉम द ट्राइबल एरिया विल रेयरली बी सीन विदाउट अ फायर आर्म ऑफ सम काइंड. इवन टुडे, हत्ता कि आज भी कोई ट्राइबल एरिया का पठान जो है, कबायली इलाके का कोई पठान, बमुश्किल ही ऐसा कोई हमें नज़र आएगा जो किसी कस्म के आले को या किसी हथियार को साथ ना लिए हुए हो. ठीक है, यानी बमुश्किल ही हमें कोई ऐसा कबायली शख्स नज़र आएगा जिसके पास हथियार मौजूद ना हो, फायर आर्म या कोई बंदूक वगैरह मौजूद ना हो. द पावर ऑफ ए ट्राइब डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इट्स मैन फोक. इसका द पावर ऑफ ए ट्राइब्स डिपेंड, किसी भी कबीले की ताकत का इन्हिसार उसमें मौजूद, उस कबीले में मौजूद लोगों पर होता है. द बर्थ ऑफ अ सन इज़ देयरफॉर रिगार्डेड एज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर द फैमिली. बेटे की पैदाइश को एक बहुत बड़ी रहमत तसव्वुर किया जाता है पूरे ख़ानदान के लिए. द प्राउड फादर अनाउंसेस द बर्थ ऑफ अ सन बाय राइफल शॉट्स. और बच्चे का जो वालिद होता है वो फ़ख्र से अपने बेटे की पैदाइश को ऐलान करता है. किस तरह ऐलान करता है अपने बेटे की पैदाइश का ऐलान, वो किस तरह करता है? राइफल की फायरिंग से, बंदूक की फायरिंग से. शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स ऑन द ग्रीन स्लोप ऑफ द नॉर्दर्न रीजन. जो भेड़ होते हैं उनकी अफजाइश होती है बड़े बड़े रिवर्स की शक्ल में और शुमाली इलाकों के स्लोप्स पर, जो स्लोप या ढलान होती है वहाँ पर बड़े हमें जो है वो बहुत बड़े बड़े रिवर नज़र आते हैं भेड़ों के, और उनकी अफजाइश होती है. द फेवरेट फूड ऑफ द पीपल इज़ मीट. लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा गोश्त है. रोस्ट मटन एंड स्पाइसी चपली कबाब आर पॉपुलर डिशेस. यानी भुना हुआ मटन, भुना हुआ बकरे का गोश्त और मसाले वाले चटपटे चपली कबाब यहाँ की मशहूर डिशेस हैं. दे आर फ्रिक्वेंटली प्रिपेयर्ड एट स्पेशल कबाब शॉप्स. और ये चपली कबाब ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं मखसूस कबाब की दुकानों पर. द पठान्स आर वेरी हॉस्पिटेबल बाय नेचर. पठान मिजाजन बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं. देयर जेनरोसिटी टू देयर गेस्ट इज़ वेल नोन.
उनकी अपने मेहमानों के साथ मेहमान नवाजी ये सखावत जानी पहचानी है, यानी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं और एक ज़माना उनकी मेहमान नवाजी का से आगाह है। दे विल प्रोटेक्ट अ विजिटर और अ पर्सन होम दे हैव गिवन रिफ्यूज इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ। वो हिफाजत करते हैं अपने विजिटर की, यानी कोई शख्स अगर उनके इलाकों में घूमने आता है या सैर सयाहत के लिए आता है तो वो उस विजिटर की हिफाजत करते हैं और जिन्हें उन्होंने पनाह दी होती है, रिफ्यूज कहते हैं पनाह देने को, जिन लोगों को या जिनको वो मेहमान को या किसी भी शख्स को अगर उन्होंने पनाह दी हो तो वो उसकी हिफाजत करते हैं, अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करते हैं, अपनी जान की कीमत पर, बेशक उनकी जान चली जाए लेकिन वो अपने मेहमान की या अपने विजिटर की जिसको वो पनाह में रखते हैं उसकी हिफाजत करते हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ, अपनी हत्ता के अपनी जान की कीमत देने पर भी गुरेज, जान की कीमत देने से भी वो गुरेज नहीं करते। मैरिजेस आर अरेंज बाय पेरेंट्स, उनकी जो शादियां हैं उनके वालिदैन तय करते हैं। द पंजाब द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, पंजाब जो पांच दरियाओं की ज़मीन है, हैज़ बीन कॉल्ड द हर्ट ऑफ पाकिस्तान बाय द कायद आज़म ने फरमाया कि ये पाकिस्तान का दिल है पंजाब। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ सेंटर ऑफ कल्चर एंड अ सीट ऑफ लर्निंग, ये एक सकाफत का मरकज़ रहा है और इल्म हासिल करने की एक जगह रही है इब्तदाई ज़माने से। द यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सिला फ्लोरिश नियरली 2500 ईयर्स अगो, टैक्सिला की यूनिवर्सिटी तकरीबन 2500 साल कबल मौजूद थी और उसने तरक्की की। इवन टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर फ्लोरिशिंग इन द पंजाब, हत्ता कि आज भी एक बड़ी तादाद में स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पंजाब में तरक्की कर रहे हैं या पंजाब में मौजूद हैं। द हैबिट्स डायलैक्ट्स एंड ड्रेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वहाँ के आदात बोलियाँ और वहाँ के लिबास तब्दील होते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में, मतलब एक इलाके से दूसरे इलाके के रहने वालों की बोली भी थोड़ी मुख्तलिफ है, वहाँ का लिबास और वहाँ का आदात और इतवार भी वहाँ के मुख्तलिफ हैं। विद नियरली एवरी डिस्ट्रिक्ट सम पर्टिकुलर क्राफ्ट इज़ एसोसिएटेड, हर ज़िले की कोई ना कोई मखसूस दस्तकारी जो है वो नुमाया है, या वो हर ज़िला किसी न किसी मखसूस दस्तकारी से मुंसलिक है। द इनलेट फर्नीचर ऑफ चिनूट, द स्पोर्ट्स गुड्स ऑफ सियालकोट, द कटलरी ऑफ वज़ीराबाद, द पोट्री ऑफ गुजरात एंड भावलपुर एंड द एम्ब्रॉयड्री ऑफ मुल्तान आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री। चिनूट की जड़ी हुई फर्नीचर की जो मखसूस वैरायटी है, सियालकोट के स्पोर्ट्स की जो अशिया है, वज़ीराबाद की जो कटलरी के सामान हैं और गुजरात के जो बर्तन हैं, भावलपुर और गुजरात के बर्तन और मुल्तान की एम्ब्रॉयडरी, ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इसके साथ ही हम इस लेसन का एंड करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेसन में।